यूं तो पहाड़ी इलाके में संकरी सड़कों का होना आम बात है और लोग इन सड़कों से गुजारा भी कर लेते हैं, लेकिन नालागढ़ के खोबला गांव में बनी सड़क लोगों की नाराजगी की वजह बन रही है। लोगों की जहां उम्मीद थी कि उनके लिए 13 फीट की सड़क बनाई जाएगी, वहीं महज 3 फीट की सड़क बनाई गई है। अभी जो हमारा रास्ता है गांव खेली खोबला के अंदर हरजन बस्ती में, हमारी जो निशानदेही सरकार द्वारा तो हमारी 13 फुट की हुई है, तो प्रधान जी अपने निशानुसार काम कर रहे हैं। जो जिसमें हमने वो बात की थी भाई विध नाली बनाओ, जितना बचता आपके पास इतना लगाओ, फिर हम किसी महल्ले साहब से फंड की डिमांड करेंगे। हमारा रास्ता नहीं जी बन रहा है, 13 फुट के निशानदेही लिए रखी है हमने, ये क्लियर नहीं हो रहा जी। प्रधान 3 फुट बना रहा है जी, ये तो जी सरकार से रिक्वेस्ट की जाती है जी, हमारा 13 फुट बनना चाहिए पूरा जी। 13 से 3 फीट के अंतर को समझिए। जहां परिवारों को लगा कि सड़क बनने से उनके घर तक वाहनों की सुविधा पहुंच पाएगी, वहीं इस सड़क पर 2 लोगों का एक साथ चल पाना भी मुश्किल है। हमारे यहाँ पे जो रोड है 13 फुट की, हमने अपना इसमें पटवारी ने भी हमने निशानदेही ली है कि रास्ता 13 फुट पे, हमने डिमार्केशन करवाई थी कि रास्ता 13 फुट पे बनना चाहिए, बट अब प्रधान ने अपनी मर्जी के अनुसार 3 फुट पे रास्ता बनाना चालू कर दिया है। हमारे बगैर पूछी गांव वालों को या हमारे परिवार को बगैर पूछी कर दिया। हमारे को अभी दिख रही चल रही है कि मेरी माता जी पेशेंट है, इनकी रीढ़ की हड्डी ब्रेक है, जब हम इनको लेके जाते हैं रोड पे तो हमें 2 बंदे करने पड़ते हैं, 2 पर्सन हमें इनको उठाने के लिए करने पड़ते हैं, और जल्दी से जल्दी रास्ता बनना चाहिए। अगर घर तक गाड़ी आए तो हमारे को मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों की माने तो सड़क बनाने के लिए 13 फीट की निशानदेही की गई थी, लेकिन जब सड़क बनाई गई तो लोगों की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। इस परेशानी के बीच एक परिवार ऐसा भी है जहां एक महिला चल पाने में सक्षम नहीं है, जिसे इलाज के लिए ले जाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। उसने प्रशासन से सड़क को चौड़ा करने की गुहार लगाई है। मेरे को बहुत समस्या आई, मैं तुर नहीं सकती, हमारे को बहुत रास्ते की जरूरत थी। अगर मेरे पुत्र 2 बंदे करते, मेरे बेटे के मेरे को उठा के लेते आए, हमारा रास्ता बनना चाहिए। ग्रामीणों ने अपनी बात रखने के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान और वार्ड के सदस्यों को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि या तो काम को बंद किया जाए या फिर रास्ते को गाड़ियों के आने जाने योग्य बनाया जाए। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायत का जनप्रतिनिधि कैसे समाधान निकालते हैं। सूर्य समाचार के लिए नालागढ़ से जगत बैंस की रिपोर्ट।